कोचिंगों के चक्रव्यूह में फंसा एक अभिमन्यु, यानी एक वो छात्र जो कोचिंग ढूंढने निकला हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि कोचिंग चुनने के लिए सही कोचिंग कौन सी है, या कौन सी कोचिंग चुनी जाए, या कोचिंग चुनने के लिए हमको क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। आप अपने पापा से पूछिएगा, चाचा से पूछिएगा, आज के 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या होता था? उस वक्त तो था लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी अभाव, काफ़ी कमियां थी कोचिंग्स की, नॉलेज की लोगों के पास, मतलब लोगों पर नॉलेज थी, रिसोर्स नहीं थे, ओपन सोर्स नहीं था, इतना डेटा अवेलेबल नहीं था, ये समस्या थी तब। और आज उससे बड़ी समस्या है कि ओवर इन्फॉर्मेटिव हम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तब थे नहीं और अब बहुत हैं। तो समस्या बड़ी कौन सी है? समस्या बड़ी है बहुत होने पे। जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और कन्फ्यूजन से रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, आप अगर अभी 12वीं पास हुए हो और अब NDA का मन कर रहे हो, CDS का मन कर रहा है, आपको अब है कोचिंग चुने, तो क्या बातों का ध्यान रखें। तो ये वीडियो आपको समझ के ही मैंने बनाया है कि गलती से बचें और सही चीज़ का चुनाव करें। तो चलिए शुरू करते हैं बात। सबसे पहली बात, अब आज के समय में दो सिनेरियो है, एक थैंक्स टू कोविड ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो अभी कुछ साल पहले तक क्या था, ऑफलाइन ऑफलाइन ऑफलाइन, पर अभी एक शिफ्ट आया है और अब ऑनलाइन की तरफ बहुत पब्लिक मुड़ चुकी है। तो ऑनलाइन के बारे में प्रोन्स एंड कॉन्स पहले डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन है क्या और इसके प्रोन्स एंड कॉन्स क्या है। तो यार ऑनलाइन एक बहुत सही चीज़ आ गई। बहुत सही चीज़ क्यों आ गई कि अगर केरला में बैठा बच्चा लखनऊ के टीचर से पढ़ सकता है, MP में बैठा हुआ बच्चा छत्तीसगढ़ से पढ़ सकता है, पूरा भारत या भारत के बाहर के टीचर्स से अगर आप पढ़ना चाहें तो आप अपने घर बैठे इस जादुई पिटारे से पढ़ सकते हैं, यानी इस फोन बोलते से आप लोग। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो गया है भाई। अगर आप सोच के देखो कि मुंबई का एक बच्चा जिसे पढ़ाई करनी है और बिहार के बेहतरीन टीचर से पढ़ाई करनी है, तो पहले सोचना पड़ता था कि यार कैसे पढ़ेंगे, क्या हो पाएगा, पर आज चीज़ें आसान हो गई हैं। वही टीचर्स के लिए बड़ा आसान हो गया है कि एक लिमिटेड लोगों को पढ़ाने की बजाय ओपन प्लेटफॉर्म है, आप आराम से जितने चाहे उतने लोगों को पढ़ा सकता है, जहाँ के लोगों को चाहे वहाँ पढ़ सकता है, भारत या भारत के बाहर भी। तो ये तो बढ़िया चीज़ हो गई। ऑनलाइन में एक एडवांटेज और है कोर्स ज्वाइन करने में, वो है फीस। भाई आप अपने घर पे रहकर बहुत 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 नॉमिनल फीसेस, बहुत अफोर्डेबल कोर्सेज आप कर सकते हो। जहाँ एक समय 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, 30,000 रुपये, 60,000 रुपये, इस तरह की फीस होती थी ऑफलाइन में। आज बच्चे के पास एक मौका है कि ऑनलाइन में पढ़ के 2,000, 1,500, 3,000, 4,000 में वो वही प्रीमियम कंटेंट, वही प्रीमियम टीचर्स से पढ़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक एडवांटेज और है भाई, बाहर जाता था तो बच्चा सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना, हॉस्टल में रहता था तो हॉस्टल में खाना पीना रहना उसका खर्चा वो घर में जाता है। एक और बात भी है भाई, जब हॉस्टल जाता है बच्चा तो अलग संगति मिलती है, अच्छी भी मिलती है बुरी भी मिलती है, तो कभी कभी बच्चा बिगड़ भी जाता है, तो मम्मियों को बहुत डर होता है, तो ऑनलाइन नहीं वो भी काम हल्का कर दिया, घर बैठो आराम से। तो ऑनलाइन में एडवांटेज बहुत सारे हैं, पर जहाँ बहुत सारे एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे ये पूरा रिसर्च में है कि जब से ये कोविड के बाद ये ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन का नौटंकी शुरू हुई है, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, अटेंशन स्पैम बिल्कुल गिर चुका है बच्चों का। अब 10 मिनट के ऊपर पढ़ने का मन ही नहीं लगता, 10 मिनट भी बहुत बोल दिया, पढ़ने का मन ही नहीं लगता, इमेजिनेशन पावर ख़त्म हो चुकी है, सोचने समझने की क्षमताओं पर बहुत असर पड़ा है। क्यों? क्योंकि फ़ोन देख रहे हैं, और बहुत सारी डिजीज, बहुत सारी मेडिकल इशूज़ भी होने लग गए हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल। और सबसे बड़ी बात, जो एक डिसिप्लिन होता था ऑफलाइन की क्लास में कि बच्चे के पास स्कोप नहीं होता था कि क्लास शुरू हो गई, अब वो क्लास एंड होने के बाद ही जाएगा। अब यहाँ क्या है, 10 मिनट पढ़ा उसको मज़ा नहीं आई, इसे बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ भी हुए, बहुत सारी दिक्कतें भी हैं कोर्स में, मतलब बहुत सारी ऑनलाइन कोर्स में। और ऑनलाइन कोर्स को बेटा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ऑनलाइन बैसाखी का काम तो कर सकता है, पर ऑफलाइन का कोई बराबरी नहीं कर सकता। यानी कोचिंग में एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, मजबूरी हो सकती है, पर ऑफलाइन की जगह कभी नहीं ले सकता, ये बात जान लो आप। अगर आपको जेन्युइन कोचिंग की बात करनी है तो वो ऑफलाइन ही होती है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। नो डाउट ऑनलाइन एक अच्छा ऑप्शन है, पर जब मैं ऑप्शन बोलता हूँ तो फिर वो ऑप्शन ही है। ठीक है बच्चों, तो अब फिर भी, पर देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो फिनेंशियली तो स्ट्रांग नहीं है, जिनको ऑनलाइन लेते हैं, और ऑनलाइन से सिलेक्शन भी होता है, सिलेक्शन ऑनलाइन से भी होता है, यूट्यूब से भी होता है और ऑफलाइन से भी होता है, यानी सेल्फ करके भी सिलेक्शन लेते हैं लोग, ऑनलाइन से भी लेते हैं और ऑफलाइन से भी लेते हैं, वो कोई मसला नहीं है।
अब अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स लेना है, अब ऑनलाइन कोर्स में भी समस्या है, मैथ जुगाड़ से का भी एक ऑनलाइन कोर्स है, ए डिफेंस अकेडमी का भी ऑनलाइन कोर्स है, बी डिफेंस अकेडमी का भी ऑनलाइन कोर्स है, और जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना सारे प्लेटफॉर्म पे, एक बात बताऊं, सब बहुत बढ़िया है, सब टीचर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो सर चुनना किसको चाहिए? चुनना उनको चाहिए जिन टीचर्स का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, आपको भाए और एग्जाम में आए, आपको समझ में आए, आपको भाए और एग्जाम में आए, और आपसे आपका बेहतर निकलवा के ले आए। ये चार चीज जहां मिल जाए बस वही कोर्स आपका असली ऑनलाइन कोर्स यानी ब्रह्मास्त्र कहलाए, बाकी सब भाड़ में जाए। रैमिंग देखो कितनी बढ़िया बन गई ना, यही असलियत है कि आप जब ऑनलाइन कोर्स लेते हो तो मैं आजकल बहुत सिंपल है यार, ऑनलाइन कोर्स चूज करना है आपको बहुत सिंपलिस्टिक है, किसी कॉन्ट्रोवर्सी में किसी चक्कर में ना पढ़ के आप सिंपल उनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाइए जहाँ पे सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, आप आराम से 10 वीडियो 20 वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको बस यही क्वेश्चन करना है क्या इनका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, खोपड़े में घुस रहा है, ये नहीं कि हाँ अच्छा तो पढ़ा रहे समझ में कुछ नहीं आ रहा, यार ये इतनी तेज चिल्ला रहे कि मतलब बॉन्ड ही नहीं बन पा रहा। बिकॉज ऑनलाइन में बेटा एक बात जान लो, अगर आपका बॉन्ड नहीं बना टीचर्स के साथ तो आप सीख नहीं पाओगे, भले ही वो फिर ब्रिलियंट आइंस्टाइन ही की नजर है, आपको यहां पे आइंस्टाइन खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, पर अगर आपका उनसे बॉन्ड नहीं है, अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो यकीन मानो आप उनसे पढ़ ही नहीं पाओगे, चाहे वो फिर कितना भी अच्छा पढ़ाए। तो आप ये देखो कि क्या आप बॉन्ड बना पा रहे हो उनसे, क्या आपको समझ में आ रही उनकी पढ़ाई हुई चीजें, आपको मजा आ रहा है, आप ये तो नहीं बोर्ड तो नहीं हो रहे हो, और क्या सिर्फ मजा आ रहा है, क्या उनका एग्जाम में पढ़ाया हुआ आता भी है, क्या बोल रहे हैं उनके बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं उनके बारे में, अच्छा बोल रहे हैं बुरा बोल रहे हैं। तो जब ये सब चीज़ें आप देखते हो फिर सिलेक्शंस उनके हुए भी हैं कि नहीं हुए हैं, कि सिर्फ एक देखो सिलेक्शन में भैया बहुत ज़रूरी है वो फिल्टर लगाना कि जेन्युइन है या फर्जी है, क्योंकि फर्जी रिजल्ट देने वाले इस वक्त बहुत लोग हैं, उनसे बचो बेटा। मैं किसी एक की बात नहीं करता, मैं बहुत लोग की बात करता हूँ, आपको मैं ये बोल रहा हूँ, किसी के भी रिजल्ट को मुँह से बोले, जैसे अभी एग्जाम्पल तौर पर NDA रिजल्ट आया, किसी ने बोला मेरे 3000 क्वालिफाई हो गए, किसी ने बोला 4000 क्वालिफाई हो गए, पर एक NDA का बच्चे को पता है कि 7500 से 8000 के ऊपर तो क्वालिफाई होता नहीं है, और 3000 कहीं बोल रहा है, कोई 4000 बोल रहा है, तो ये हवा में बोला हुआ नंबर है या वास्तविकता में भी कुछ है? तो इसका पता आप बहुत आराम से लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी बालक किसी भी कोचिंग संस्थान ने बोला कि मेरे 3000 सिलेक्शन हुए हैं, तो 3000 वो घर होंगे जो इस वक्त बहुत खुश होंगे बिकॉज ऑफ दैट कोचिंग। अगर मेरे 3000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं पढ़कर, तो वो खुश होंगे मेरे लिए कि अरे सर आपसे बड़े खुश हुए, तो कम से कम 3000 कमेंट तो होगा ना, चलो 3000 नहीं होगा, 2500 होगा, 2500 नहीं होगा, 1500 होगा, अच्छा कमेंट नहीं लाइक तो होगा ना कम से कम, कि बच्चा आके कहेगा थैंक यू सो मच सर आपसे पढ़ के क्वालिफाई हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तो गुरु कहीं ना कहीं तो लोचा है ना, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ, बट ये समझ है। एक और बात भी है ऑनलाइन में जो सच बात भी है, ऑनलाइन में बच्चा आपसे भी एक ए कोर्स है इसको भी लेता है, बी कोर्स है इसको भी लेता है, और जब उसका सिलेक्शन होता है ए बोलता है कि हमारा हुआ, बी बोलता है हमारा हुआ, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही का है वो बच्चा, तो ये थोड़ा सा, पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो आप रेक्टिफाई कर लोगे, आप कमेंट्स से रेक्टिफाई तुरंत कर लोगे कि भाई किसी भी वीडियो के कमेंट्स में बच्चे क्या लिख रहे हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ उसके बारे में क्या विचार है। अब अगर मेरे 500 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं तो कम से कम 700 कमेंट नहीं होगा, 500 नहीं होगा, 400 नहीं होगा, 300 तो होगा, है कि नहीं, ये बात समझिएगा। दूसरी बात एक और है कि जब भी कोई बोलता है कि ऑनलाइन में मेरा इतना सिलेक्शन हो गया है, तो आपका सिंपल से क्वेश्चन होना चाहिए कितनों में से, 10,000 में से 1000 सिलेक्शन या 1000 में से 500 सिलेक्शन, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आई होप इसमें आप लोग गलती नहीं करोगे। और एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है रेलेवेंट टाइम टेस्ट। जब भी किसी का कोर्स लीजिए तो अभी ये चीज़ जानिए कि उनका रेलेवेंट सिलेबस है, मतलब अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो हिस्ट्री तो SSC में भी आती है, IAS में भी आती है, कि ऐसा तो नहीं कि एग्ज़ाम UPSC NDA का दे रहा हो और आपको हिस्ट्री कोई टीचर पढ़ा रहा है जो पढ़ने में मज़ा बहुत आ रही है पर वो काम का नहीं है। यार आप NDA में, ये IIT नहीं है जहाँ 3 सब्जेक्ट हैं या 7-10 सब्जेक्ट्स हैं, आपको मैनेज 10 सब्जेक्ट आपको मैनेज करने हैं, तो ज़रूरी है कि स्पेसिफिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो इसलिए रिलेवेंट टाइम टेस्ट होना और रिलेवेंट कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, वैसे तो देखिए ऑनलाइन में मैं बोलूँगा कि आप ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोच लीजिए, पर एक बार जो आपने अपना मेंटोर चूज कर लिया, मैं ये नहीं बोल रहा मुझे करो, किसी को करो, ए को करो, बी को करो, सी को करो, पर जब एक बार चूज कर लिया फिर मत बदलना, फिर वही ब्रह्मा वही विष्णु वही महेश जो कहें वो कर दो। जब व्हेन स्टूडेंट इज रेडी ना टीचर विल अपीयर, जब आप तैयार हो गए ना तो आप किसी से पढ़ रहे हो और अपनी ईमानदारी से उसकी बात मानी है तो रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब आते हैं असली फ्रॉड, असली ट्रैप और असली चीज भी वो है ऑफलाइन। बाय गॉड इतने बच्चे फंसते हैं हर सेशन में इस ट्रैप में कि मैं क्या बताऊं, और गलती इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों की है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। जैसे कि गूगल पे आप डालो बेस्ट डाटा 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 लाइक बेस्ट फूड इन लखनऊ, बेस्ट लाइट्स इन दिस बेस्ट लियो, तो आपको लगता है कि जो टॉप 5 में आ रहा है वो बेस्ट होगा। सबसे बड़े धोखे में हैं आप, जिसकी जेब में है जितना पैसा नाम आएगा उसका वैसा। अगर कभी भी बेस्ट डालने पर किसी का नाम आ रहा है इसका मतलब उसने SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा रखा है और इस चक्कर में उसका नाम ऊपर आ रहा है, यानी उसने पैसा लगा रखा है इसलिए उसका नाम ऊपर आ रहा है। तो कभी भी इस आधार पर कोचिंग न ज्वाइन किया करिए कि बेस्ट तो आपको वही नाम ऊपर मिलेंगे बेटा जिनके पास पैसे हैं, रिजल्ट हो ना हो पैसे हो। ठीक है, पहली गलती, इससे बचिएगा आप। दूसरी गलती ऑफलाइन में मैंने देखा, जैसे बरेली की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, पटना की बात कर ले, लखनऊ की बात कर ले, आप एक बच्चा है स्कूल में गया, स्कूल से घर जा रहा है, उसने देखा अरे बाप रे बाप बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि भारत की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग, और उसने मान लिया। क्यों? क्योंकि ऐसे 20 बोर्ड रास्ते भर देख चुका है। तो बेटा एक बात समझो, बोर्ड लगाने में ना कोई ISO का प्रमाण नहीं चाहिए होता कि मैं पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगा कि ये इसलिए मेरी कोचिंग फर्स्ट है और अब मैं लिख रहा हूं। हर जगह हर शहर में आपको ऐसे हजारों बोर्ड मिल जाएंगे जहां लिखा होगा मेरी कोचिंग सबसे नंबर वन है। कुछ लोग लिखते हैं मेरी कोचिंग UP की नंबर वन है, कुछ लोग लिखते हैं भारत की नंबर वन है, भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ दिन लिख देंगे भाई युगांडा की नंबर वन कोचिंग हमारी है, दिस प्लैनेट की हमारी कोचिंग सबसे बड़ी है, आकाश गंगा की सबसे बड़ी कोचिंग हमारी है, नंबर वन कोचिंग है। तो इनसे बचो, क्योंकि ये जो डिज़ाइन होता है बोर्ड, ये जो कोचिंग ओनर्स होते हैं वही करवाते हैं। तो हम तो वही बताएंगे ना आपको जो हमको सही लगे, जो हमारी इमेज को अच्छा बनाए। 100 बोर्ड लगा दिए, आप तो इन्फ्लुएंस हो गए, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपको अता ना पता, आपकी सारी खता। तो इससे बचिए बेटा। सर आपने ये तो बता दिया कि गूगल पे मत देखो, आपने कह दिया होर्डिंग भी मत देखो। अरे सर जब गूगल भी ना देखेंगे होर्डिंग भी ना देखेंगे देखेंगे क्या बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, आप कोचिंग्स, आपको अगर ये है कि आपको अपने शहर में कोचिंग करनी है, सिंपल है, अब लिस्ट निकालो कोचिंग संस्थानों की। हर एक कोचिंग में अगर उनका यूट्यूब चैनल हो तो वहाँ वीडियोस पड़े होंगे, है ना, उन वीडियोस को देखिए। टीचर्स जहाँ पढ़ा रहे हो आप देखते सक्सेस स्टोरी, अरे वाह रिक्शे वाला ऑटो वाला है किसान ये वो नहीं, वहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके वीडियोस देखो, क्या समझ में आ रहा है, क्या पढ़ाया वो कुछ घुसता है बुद्धि में, घुस रहा है नहीं घुस रहा है, पहला चीज। अब फिर आप लिस्ट आपने बना लिया कि 10 कोचिंग हमारे शहर की बेस्ट कोचिंग है, आप 10 कोचिंगों में विजिट करिए और जाके सिंपल से एक क्वेश्चन पूछिए कि जो टीचर्स, आप हमको 7 दिन का डेमो दीजिए या 10 दिन का डेमो दीजिए, अगर वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है मान लो, तो आप उनसे कहिए कि जो टीचर्स हमको पढ़ाने वाले हैं क्लास में 7 दिन का उनका डेमो दीजिए, और डेमो के बाद एक पेपर में लिख कर दीजिए कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही कोर्स पूरा होने तक पढ़ाएंगे। अगर ये दो बातें हो जाए तब तो ठीक है, वरना आपने मान लो कोचिंग ज्वाइन किया देखकर किसी और को, फिर जब क्लास में गए वहाँ कोई और ही मिला, तो ये भी स्कैम होता है, इससे भी बच जाना बेटा। तो अगर आपने इस तरह चुनाव किया, अब कोचिंग में अगर 1-to-1 आपका टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है अपने टीचर से डाउट पूछने में, तो आपका ऑफलाइन आने का फायदा ही नहीं था, फिर तो आप ऑनलाइन ही सही था, पैसा बचता कम से कम। ठीक है, दूसरी बात जेन्युइन रिजल्ट। जेन्युइन रिजल्ट का बहुत सीधी सी बात है, यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है, सब कुछ पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जब बच्चे आके बता रहे हों, या मान लीजिए आप क्लास में गए, जिस कोचिंग में सिलेक्शन होता है ना वहाँ एकदम, जैसे अभी रिटर्न क्वालिफाई हुआ है, अभी यहाँ पे हमारे मिठाई की ढेर लगी हुई है क्योंकि बच्चे आज भी एक आया सुबह, कल भी आया, परसों भी आया, तो रिजल्ट के बाद बच्चे लगातार आ रहे हैं, तो आप बच्चों से इंटरेक्ट करो, आप जो प्रीवियस बच्चे वहाँ के पढ़े हों उनसे पूछो, तो आपको पूरी जानकारी एकदम सच सच मिल जाएगी। ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस, एक ऐसा माहौल जहाँ पे हर चीज़ें बढ़िया टाइमली होती हैं, वहाँ रिजल्ट आता है। ठीक है, ये है ऑफलाइन। तो अब आप गूगल पे डाल के बोर्ड देखकर कोचिंग का चुनाव नहीं करेंगे,
मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप बस हमको ज्वाइन करो, आपको जहाँ करना है वहाँ करो, कोई समस्या नहीं है। पर अगर आपने जेन्युइन रिजल्ट देखकर किया, टीचर्स देख के किया, कौन पढ़ाने वाला है, कैसा पढ़ाने वाला है, तो आई एम 100% श्योर कि आप कोचिंग चुनने में गलती नहीं करेंगे। और फिर से बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं किसी पर्टिकुलर या किसी इंडिविजुअल कोचिंग संस्थान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल कर रहा हूँ जिससे बच्चे गलत गाइडेंस में ना जाए। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर। सिलेक्शन होने का एकमात्र मूल मंत्र ये है, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जैसे इस बार ऑफलाइन रिजल्ट बहुत बढ़िया गया, बहुत बढ़िया गया हमारा, तो इसमें मैं खुश हो जाऊँगी, नहीं नहीं सारी मेहनत मेरी है, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। बच्चे की ही मेहनत होती है हमेशा, सिलेक्शन में भी और रिजेक्शन में भी। जब बच्चे का सिलेक्शन होता है उसके पीछे भी उसकी ही मेहनत होती है, और जब नहीं होता है तब भी उसकी ही बेवकूफियाँ होती है। टीचर का काम है गाइड करने का, पर उसे फॉलो करने का काम आपका है, स्टूडेंट का है। भाई कृष्ण जी चाहते तो एक मिनट में युद्ध खत्म होता, पर वो गाइड कर रहे थे क्योंकि उनको सेट करना था चीज़ें। वैसे ही टीचर एक होता है, वो गाइड कर रहा होता है, पर सिलेक्शन सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, यानी तुम्हारी मेहनत में है। तुमने गाइडेंस मिला और जी तोड़ मेहनत कर दिया, तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। पर स्टॉप 3C राइट नाउ, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड स्टॉप कंडेमिंग, इन 3C को आज का आज बंद कर दो। मेहनत करो, जान लगाओ, ऑनलाइन ज्वाइन कर लो या ऑफलाइन ज्वाइन कर लो, जिसको करना है उसको कर लो। ये वीडियो बनाना मेरा सिर्फ ये जरूरी था कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि फिल्टर लगा के ज्वाइन करो, तो आप फंसोगे नहीं। और जैसे अभी क्या होता है, बहुत बच्चे फ़ोन करते हैं, सर मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं आपको क्या करूँ सर, मैंने फीस दे दी है सर, मुझे सर यहाँ पढ़ाई नहीं होती सर, यहाँ सिलेबस नहीं होता। तो मैं उनको बोलता हूँ तुम बेवकूफ़ हो भाई, ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए ना, सर पापा ने कहा था ज्वाइन कर लो, 3 साल पहले सर यहाँ से एक बच्चा क्वालिफाई हुआ था, 4 साल पहले हुआ था, अरे भैया तब क्या था, तब कौन टीचर थे, अब कौन टीचर हैं। तो ऐसे गलती से अपने पापा मम्मी का हार्ड अर्न मनी मत फंसाइएगा बेटा, ठीक है। और पेरेंट्स भी अगर ये वीडियो देख रहे हों तो आप अपने बच्चे का डिसीजन किसी और के कहने पर मत लीजिए, बच्चा समझदार है, उसको वीडियोज देखने दीजिए, मेरे ही नहीं सबके, जहाँ अच्छा लगे वहाँ करें। अब आगे, अब कई लोग अभी ऐसे भी होंगे जो मुझे ही नहीं जानते होंगे, इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो उनके लिए MJS डिफेंस एकेडमी यानी मैथ जुगाड़ से ये हमारा परिवार है। हम लोग ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में कहाँ पढ़ाते हैं हम लोग, लखनऊ सिटी ऑफ नवाब, और हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से, जहाँ एक बहुत बढ़िया रैंकर्स बैच अभी चल रहा है, जहाँ बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड हैं। ये हैं हमारे ऑफिशियल नंबर्स, अगर आपको कभी भी लगता है कि गाइडेंस मयंक सर से लेनी है, यहाँ मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको पूरा 1-to-1 काउंसलिंग की जाएगी, 1-to-1 गाइडेंस दिया जाएगा, एक एक चीज़ समझा के पढ़ाई जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे एश्योरेंस है। तो अगर आपको हमसे जुड़ना हो तो ये 3 हमारे ऑफिशियल नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर आपने इतना फिल्टर तो लगवा दिया कोचिंग में, आप कोई क्यों ज्वाइन करें, तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले टीचर्स, देखो बेटा मैंने कहा ना कि मैं जब सबके लिए फ्रेम खड़ा कर रहा हूँ तो सबसे पहले खुद के लिए कर रहा हूँ। टीचर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, यही टीचर्स हमारे यूट्यूब पे, ऐप में, ऑफलाइन में पढ़ाएंगे, और आपके इस पूरे सिलेबस को अगले 6-7 महीने यही टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, ये मैं आपसे कमिट करता हूँ। मयंक द्विवेदी, मैं, कामायनी शर्मा हमारे इंग्लिश के मेंटर, तुषार चावला हमारे इंग्लिश के मेंटर, प्रसून सिंह साइंस बैकग्राउंड साइंस टीम, प्रशांत त्रिपाठी साइंस टीम, और अश्विनी सर हमारे स्टैटिक साइंस, और कुछ टीचर्स और भी हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिखा है, बस ये है वो पार्ट टाइम में है, ठीक है। तो ये हमारे कोर टीचर्स हैं, जो हमारे असली हीरोज हैं, जो हमारे फ्रंट फेस हैं, ये वो लोग हैं। तो आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, कंटेंट हम सबका वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, डेमो पड़ा हुआ है, आप आराम से जाएँ देखें, वहाँ पर समझें, और लग रहा है अच्छा है तो अब आगे बढ़िए। सर टीचर्स तो आपने दिखा दिया, ये टीचर्स पढ़ाएंगे, आपका ऑफलाइन कहाँ पे है, बैच कब शुरू हो रहा है, 10 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, बेहतरीन बैच, मतलब बेहतरीन पिन पॉइंट हमारे यहाँ बैच, 50 बच्चों का एक बैच होता है, 100 बच्चों का 200 बच्चों का, भीड़ की तरह नहीं बढ़ दिया जाता, कि इतना भीड़ नहीं बढ़ दिया जाता कि बच्चे का नंबर तक मेरे पास सेव ना हो, कि जब क्वालिफाई करके फ़ोन करें तो हम कहें हाँ बेटा तुम कहाँ से बात कर रहे हो। हमारे यहाँ बच्चों का नंबर भी सेव होता है, और जितने होते हैं उतनों को गाइड किया जाता है, 50 बच्चों का एक बैच। सिलेक्शंस की बात की जाए तो रैंक 4, रैंक 8, रैंक 12, और ऐसे बहुत सारी सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट रैंकर्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं।
SSB. कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन ये होती है कि सर आपके यहाँ रिटर्न होता है SSB नहीं होता. नहीं, वी हैव SSB टीम ऑल्सो एंड अ वेरी बिग ग्राउंड. लखनऊ में हमारा एक बहुत बड़ा SSB ग्राउंड भी है जहाँ पे सारी ट्रेनिंग होती है, जिसके शॉर्ट्स पड़े हुए हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं. और SSB की एक प्रॉपर टीम है जो गाइड करती है. ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट, टीचर्स, डेमो, यूट्यूब वीडियोस और क्या, 1-to-1 MGS कोचिंग नहीं, फैमिली है, वो सारे फैक्टर्स हैं. अब अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप ऑफिशियल नंबर्स पर कॉल करके बात कर सकते हैं, जो भी शंका है दूर कर सकते हैं. 10 अक्टूबर से नया बैच शुरू हो रहा है, आप ऑफलाइन जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन सही, तो ऑनलाइन में रैंकर्स बैच है जो एकदम तबाही बैच है, बहुत बेहतरीन बैच है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बनाना था जिससे बच्चों को बहुत जो कमिटमेंट जो गलतियां करते हैं वो गलती ना कर पाएं. मुझे मैसेजेस बहुत सारे आए थे कि सर कैसे करें क्या करें, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है. मैं फिर से लास्ट करना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहता था, सब अपनी जगह बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट बच्चों सावधान रहो, सतर्क रहो, बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है पहले सही कदम सोच उठा कर लो. ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद.